राधे राधे सरकार। ज्ञान जी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ ज्ञान भक्ति इत्यादि की चर्चा करते हैं, और हम जानते हैं कि आपका समय बहुत ही अनमोल है, तो बिना एक भी पल गंवाए शुरू करते हैं आज की चर्चा। और अगर आपको ज्ञान जी का मेहनत अच्छा लगता है तो एक लाइक कीजिए, और इसी तरह के चर्चा में भाग लेने के लिए ज्ञान जी को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए राधे राधे। आज का हमारा चर्चा का विषय है गुरु महिमा। देखिए, गुरु एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है शिक्षक या मार्गदर्शक। प्रश्न है, गुरु कितने तरह के होते हैं? उत्तर है, गुरु दो तरह के होते हैं, एक शिक्षा गुरु और दूसरा दीक्षा गुरु। इनमें से जो शिक्षा गुरु हैं उनके अनेकों और अनगिनत रूप हैं। आसान भाषा में, जैसे स्कूल में जो गणित पढ़ाते हैं मैथ टीचर, जो अंग्रेजी पढ़ाते हैं इंग्लिश टीचर, वैसे ही हमारे मातृभाषा में जो कला सिखाते हैं कला गुरु, जो योग सिखाते हैं योग गुरु, ऐसे ही करोड़ों गुरु शायद आपके जीवन में आपसे मिले होंगे। मतलब जो भी आपको कुछ सिखाया है वो आपका शिक्षा गुरु है। आपने एक बात तो सुना ही होगा कि ठोकर लगने से लोग पैर उठाकर चलना सीख जाते हैं, यानी रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर भी आपका शिक्षा गुरु ही है। माँ ने बोलना सिखाया, बाप ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया। शिक्षा गुरु हर कोई हो सकता है, लेकिन एक होते हैं दीक्षा गुरु। अब आते हैं मुख्य विषय की ओर। देखिए, सनातन संस्कृति में गुरु को ईश्वर का रूप माना जाता है। दीक्षा गुरु एक आध्यात्मिक प्रेरणा स्रोत होते हैं जो साधक को आत्मा के साक्षात्कार और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति में मार्गदर्शन करते हैं। गुरु दीक्षा लेने वाले, गुरु के उपदेश को सुनने वाले और गुरु के मार्गदर्शन पर चलने वाले व्यक्ति आत्मनिवेदन करता है, अपने कर्तव्य को उद्दीपन करता है और सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने में सफल हो जाता है। और इसीलिए हिंदू धर्म में गुरु दीक्षा लेना बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। दीक्षा गुरु की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, हिंदू धर्म के अनुसार यह संपूर्ण सृष्टि भगवान ने किया है और अंत में उन्हीं में मिल जाना है। तो आपको अंतिम ठिकाना है ईश्वर, और वहाँ तक पहुँचने के लिए जो रास्ता बताने वाला है वो गुरु है, और वहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है ना, वही आपका गुरु मंत्र है। तो इसीलिए दीक्षा गुरु का चयन करते समय शिष्य को उसके आध्यात्मिक लक्ष्य, अनुभव और विशेष आत्मिक योग्यता का ध्यान रखना चाहिए। शिष्य को गुरु की शिक्षाओं
उनके सिद्धांतों और उनकी साधना के साथ मेल खाना चाहिए। इतनी देर तक मुझे सुनने के लिए आपको अनेकों अनेक धन्यवाद। अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। खैर, गुरु दीक्षा का निर्णय हर किसी के लिए स्वतंत्र है और इसमें व्यक्ति की आत्मिक अवस्था, आध्यात्मिक इच्छा और विचारशीलता का महत्वपूर्ण भूमिका है। किसी को गुरु दीक्षा लेना चाहिए या नहीं, इस पर व्यक्ति को खुद ही विचार करना चाहिए। खैर, जब आप यहाँ तक आ गए हैं तो हमारी मेहनत को एक लाइक कीजिए और इसी तरह के चर्चा में भाग लेने के लिए ज्ञान जी को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबाइए और कमेंट में लिखिए राधे राधे। धन्यवाद।